इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे cos थीटा बाई टू विद द हेल्प ऑफ cos थीटा। अब दोबारा से इसी फॉर्मूले को देखो, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कि सर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब यहां से हम साइन थीटा बाई टू निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। cos थीटा सर इधर चला जाएगा, इस 2 को हटाओगे तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, और अगर अंडर रूट को हटाओगे, स्क्वायर को हटाओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ से आपको साइन थीटा बाई टू की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका मतलब आप साइन थीटा बाई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपको cos थीटा मालूम। लेकिन यहाँ पे ये माइनस आ रहा है, ऊपर जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था cos थीटा बाई टू का, उसमें 1 प्लस cos थीटा आ रहा था, और इसमें sin थीटा बाई 2 निकाल रहे हो तो 1 माइनस cos थीटा बाई 2 आ रहा है। इन दोनों फॉर्मूले को अगर मैं मर्ज कर दूं, तो यहां से हम एक नया फॉर्मूला ले सकते हैं tan थीटा बाई 2 का। तो tan थीटा बाई 2 हो सकता है sin थीटा बाई 2 बाई cos थीटा बाई 2। तो sin थीटा बाई 2 आपके पास ये फॉर्मूला है और cos थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या आएगा tan थीटा बाय 2 का प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो अगर आपको tan 45 बाय 2 निकालना था तो यहाँ पे भी आप रख सकते थे 1 माइनस cos 45 अपॉन 1 प्लस cos 45। तो ये तीन फॉर्मूले हैं बेसिक, sin थीटा बाय 2, cos theta by 2 and tan theta by 2, और इन तीनों में जो यूज हो रहा है वो cos theta यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है भाई? cos theta इन तीनों में। तो अगर हमें cos theta मालूम हो तो हम sin theta by 2 भी निकाल सकते हैं, cos theta by 2 भी निकाल सकते हैं, और tan theta by 2। तो ये मेन फॉर्मूले, अब इस पे क्वेश्चन देखो और फिर इसको आप यूज कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास। ये हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज के तीन क्वेश्चन है और एक एग्जांपल नंबर 28 था जो मैंने अभी आपसे कहा। आप प्लीज ध्यान से देखो, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे वो चीज समझने की कोशिश करिए। क्या आपसे कह रहा है साइन एक्स बाई टू निकालो, कॉस एक्स बाई टू निकालो, टेन एक्स बाई टू निकालो, व्हेन टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 4/3 एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/3 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास ठीक है सर। तो मैं पहले उस क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जिसमें मुझे cos दिया हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से पहले स्टार्ट कर, फिर 8 कैसे करेंगे जब tan दिया होगा, sin दिया होगा, तो कैसे, पहले क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, हमारे पास है cos x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और x दिया हुआ है सर थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ ये क्वाड्रेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इस ये मैटर करेगा, और हमसे कह रहा है साइन x बाई 2 निकालो, cos x by 2 निकालो और tan x by 2 निकालो। क्या है हमारे पास, cos x दिया हुआ है और हमसे कह रहा है sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 निकालो। हमने अभी अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है, उसको जहन में रखना है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि sin x by 2 क्या होता है, तो sin x by 2 होता है सर प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान रखना sin में माइनस आता है, 1 माइनस cos x by 2। हाँ भाई ये बात सही है या नहीं है? हाँ सर ठीक है, cos x की वैल्यू रखो, cos x की वैल्यू कितनी गिवन है, -1/3 ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। एलसीएम लो सर, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 और 3 2 जा 6, तो प्लस माइनस 4/6। 4 का अंडर रूट आप लेना चाहो तो ले सकते हो या 2 से कैंसिल कर दो, जो आपकी मर्जी है, मतलब 2/3 भी लिख सकते हो, 2/6 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2/3। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ समझ लीजिए, जो मैंने आपसे कहा था क्वाड्रेंट, वो क्या रहा है
कि भाई हमारा जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, ध्यान से देख लीजिए, थर्ड जो हमारा जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से 270, x belongs to थर्ड क्वाड्रेंट। तो x by 2 क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? तो x by 2 होगा 180 by 2 और 270 by 2, तो 90 से 135 हो जाएगा। तो 90 से 135 किस में हो गया भाई? सेकंड क्वाड्रेंट। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन की, कि आपको दिया है x और आप फाइंड कर रहे हो x by 2। तो अगर x थर्ड है तो x by 2 बेटा जी सेकंड है। ये हर क्वेश्चन में आपके मैटर करेगा और आंसर गलत हो जाएगा अगर प्लस माइनस आपने ध्यान नहीं रखा। अब बताओ साइन x by 2 किस क्वाड्रेंट में आया? तो साइन x by 2 इन सेकंड इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। तो हमें वैल्यू कौन सी लेनी है रूट टू बाई थ्री की? पॉजिटिव, पॉजिटिव लेनी है, बस ये ध्यान रखना। तो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू प्लस रूट टू बाई थ्री। तो अगर हमें कॉस दिया हो तो हम ऐसे साइन निकालेंगे एक्स बाई टू में। अब हम कह रहे हैं हमें कॉस एक्स बाई टू निकालना है, तो कॉस एक्स बाई टू का भी फॉर्मूला था हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस में था ध्यान रखना, वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। कॉस एक्स की वैल्यू हमें गिवन है माइनस वन बाई थ्री, क्या गिवन है? माइनस वन बाई थ्री। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ऊपर तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है, क्वेश्चन नंबर नाइन कर रहे हैं हम अभी, अभी क्वेश्चन नंबर नाइन में कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन बाई थ्री। तो अब फिर यहाँ पे कॉस वाले फॉर्मूले में रखो भाई, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस हो जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री अपॉन टू, अगेन एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, थ्री वन जा थ्री माइनस वन टू, टू बाई सिक्स, तो टू बाई सिक्स होगा, तो ये प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, हम पहले ही फाइंड कर चुके कि कॉस एक्स बाई टू सेकेंड है, तो कॉस एक्स बाई टू इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लिख लो, तो कॉस एक्स बाई टू इज माइनस वन बाई रूट। अगर आपके पास साइन आ गया और कॉस आ गया तो आप टेन निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तो टेन एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। तो साइन की वैल्यू आई थी सर रूट टू बाई थ्री और कॉस की वैल्यू आई है सर माइनस वन बाई रूट थ्री, तो रूट थ्री कैंसिल माइनस रूट टू। आपको यहाँ क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन और कॉस के क्वाड्रेंट आप चेक कर चुके हैं, और वैसे भी आपको बताया कि 10 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो अपने आप ही नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। सर आया कुछ समझ में या नहीं आया? सर आ गया, यस सर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन बचता है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचता है, अगर हमें दिया हो, हाँ भाई, अगर हमें दिया हो 10 और हमसे निकलवा रहा हो साइन और कॉस, तो इसमें एक पार्ट छोटा सा बचता है क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले कॉस वाले ही हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में तो हमने कॉस दिया हुआ था, हमने कॉस से उठा के करना शुरू कर दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में 10 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 10 में साइन दिया हुआ है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कि tan x इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 3 एंड x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। हम अपने फॉर्मूले तभी अप्लाई करते हैं जब हमें कॉस मालूम हो। तो क्या हम टेन से कॉस निकाल सकते हैं, किसी बच्चे को आता है क्या? यस सर, टेन से सेक निकालेंगे और सेक से कॉस। सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे सेक स्क्वायर एक्स, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 16/9, ये हो जाएगा 25/9। ठीक है, अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो sec x आ जाएगा प्लस माइनस 5 pi/3, अगर sec आ गया तो cos आ जाएगा, तो cos क्या होता है सर, प्लस माइनस 3/5।
अब आपको खुद सोचना है क्योंकि x उसने सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो इन सेकंड cos पॉजिटिव होता है, cos x इज नेगेटिव, तो cos x अगर नेगेटिव होता है तो यहां से हम cos कौन सा यूज करेंगे, -3/5। अब यहां क्योंकि cos आ गया, अब फर्दर वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा जहां से हमने पहला क्वेश्चन किया था कि भाई cos है तो sin x / 2 निकालो, cos है तो cos x / 2 निकालो, और अगर sin x / 2 cos x / 2 आ गया तो tan x / 2 निकालो। कर सकते हो आप सब बच्चे या नहीं? यस सर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही।